हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ और मैं आ चुकी हूँ उत्तर प्रदेश के झांसी में। मैं पहली बार आई हूँ, अभी स्टेशन में हूँ। सुबह 6 बजे की ट्रेन थी हमारी और सो रही थी ट्रेन में, एसी का कोच था तो नींद भी आ गई। अब हम प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, हमें बस स्टैंड जाना है क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नया है। और मध्य प्रदेश का होता तो पता भी होता पर उत्तर प्रदेश का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और मैं पहली बार आई हूँ तो मैं भी घूमती हूँ, जहाँ जहाँ घूमूंगी आप लोगों को भी घुमाऊंगी। तो ब्लॉग पर बने रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहना है येलो कलर का सूट और मैं पीली पीली बन गई हूँ क्योंकि अभी हल्दी था तो जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई हूँ। हालांकि मैंने बालों को थोड़ा सा कर्ल्स कर लिया और इधर मैं थोड़ा फ़ोटो वीडियो शूट करवा रही हूँ, आप देख सकते हैं। हालांकि मैं इस मेकअप से सेटिस्फाई नहीं हुई, मुझे मेरा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी मैं प्यारी लग रही थी। इंस्टाग्राम में आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी कर ले, आईडी डिस्क्रिप्शन में मैं। कैसे आप सभी, तो बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं घूमने जा नहीं रही थी, ऑफिस में इतना व्यस्त हो गई थी मैं। तो अभी मैं कल आई हूँ झांसी उत्तर प्रदेश और कल से मैं कंटिन्यू बैक टू बैक काम कर रही हूँ। हालत मेरी अभी ख़राब हो गई है। बाकी आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करते होंगे तो मैं इंस्टाग्राम में बड़ी एक्टिव लड़की हूँ, हर एक चीज़ डालती रहती हूँ। तो अभी हम खड़े हैं, ऑटो का वेट कर रहे हैं। ऑटो जब आएगी तो हम जाएंगे बस स्टैंड, बस स्टैंड से फिर हम जाएंगे झांसी का किला, क्योंकि हम आए हैं तो हमने सोचा झांसी का किला घूम ही लेते हैं। तो वीडियो पे बने रहें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, गायब हो गई थी क्योंकि काम इतने सारे थे, इलेक्शन था अभी और आप लोगों को पता है मैं न्यूज़ चैनल में काम करती हूँ तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। खैर कोई ना, आज ब्लॉग में बातें करेंगे बहुत सारी। आप लोगों ने अगर झांसी का किला घूमा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम बैठ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं। हवा बहुत तेज चल रही है तो मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर समझ में नहीं आएगी। तो अभी हम बैठ चुके हैं ऑटो में और जा रहे हैं बस स्टैंड। हम बरुआ सागर से बस स्टैंड जा रहे हैं, झांसी में बरुआ सागर है, वहाँ पे होटल है, वहाँ पे हम लोग रुके थे। मेरे पूरे बाल ही उड़ गए, स्टॉल नहीं रखा था। तो अभी हम उतर चुके हैं ऑटो से, बस स्टैंड आ गए हैं बरुआ सागर के बस स्टैंड। यहाँ से फिर लेंगे ऑटो और वो ऑटो हमें छोड़ेगी झांसी का किला। अभी मैं वैसे तो मैं भोपाल में गाड़ी से ही ट्रेवल करती हूँ, अपनी ऑटो से भी घूमने का अलग मज़ा होता है। अब मम्मी मेरी वहाँ किराया दे रही है, आज मैं किराया नहीं दे रही हूँ, आज मैं घूम रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। वीडियो करते हैं शुरू और हम आ चुके हैं झांसी के किले में। प्रवेश द्वार है ये, हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं और वो किला है झांसी का। अभी हम जा रहे हैं ऊपर। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं झांसी का किला फाइनली ऑटो से और चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मतलब ऊपर है तो चढ़ रहे हैं। पर कोई ना, आए हैं तो आपको घुमाएंगे, हम भी घूमेंगे और देखेंगे झांसी का किला। टीवी में देखते थे, आज हम रियल में देख रहे हैं झांसी का किला। ₹25 का टिकट, फिर आपको मिलेगी एंट्री। निकल गए, कहाँ निकल गए, कहाँ निकल गए? अच्छा, आप नहीं जाओगे अकेले? जाओ, अब तुम जाओ भीतर, चलो तुम नहीं जाओगे अकेले? नहीं है वो साथ में। तो ये है किला और हम आ चुके हैं किले के अंदर। ये है झांसी दुर्ग, अब इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। साइट प्लान ऑफ झांसी पोर्ट, ये आप पढ़ सकते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश दक्षिण छोर पर स्थित झांसी का भारतीय स्वतंत्रता, ये इसके बाद झांसी की रानी, ये तो आपने सुना ही होगा। सिंहासन हिल उठे राजवंशों के, भ्रुक्टितानी थी जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, ये आप देख सकते हैं। और अभी हम पूरा विजिट करते हैं, देख सकते हैं। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर।
पर और अब हम जाते हैं इसके अंदर। क्या हवा लग रही, थोड़ा बैठ जाओ। अब हम आ चुके हैं इसके अंदर। वृत्त चित्र कक्ष डॉक्यूमेंट्री हॉल है ये। हम यहाँ पर चल के देखते हैं। तो ये आप जानते होंगे पंचमहल गौस खान, जो कि तोपची था, जिसने लक्ष्मीबाई सीरियल देखा होगा, वो वहाँ पे है। वहाँ अपन चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर की सीढ़ियाँ। वाह, यहाँ से आप पूरा महल देख सकते हैं। यहाँ से वो लोग देखते थे खिड़की खोल खोल के शायद। ये खिड़की से देखते थे, यहाँ से देखा करते। अब हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तार चलाना पड़ेगा। कुछ खोलो तो देखे तो है क्या। तार चलाओ। अरे मैं नहीं जाना। अरे तार से तो चलाओ। स्पीकर क्यों है हर जगह पता नहीं। इसको थोड़ा टॉर्च जलाओ ना, दिखाते हैं अंदर कैसा है। जला तो रही हूँ। पिंग स्पॉट जहाँ से दो बुर्जों के बीच स्थित है वर्गाकार चबूतर। देखते हैं कितना नीचा है। रानी यहाँ से कूदी थी और अंग्रेज लोग देखते ही रह गए थे। और आप देख सकते हैं कि बुंदेले और वो लोग के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ से वो कूदी थी। देखो दोस्तों, ये था झांसी का किला जो कि आपने घूमा, और हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी 18 मिनट की, जिसमें पूरा झांसी के किले के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में बताया गया। अब हम जा रहे हैं रानी के म्यूज़ियम घूमने, तो चलते हैं। चलना। ये तोप है, बिजली तोप, कड़क बिजली तोप। चार्ज नहीं हो रहा ना फ़ोन आपका। वाह, इतना अच्छा बनाया ना मम्मी। इसके बाद ये गंगाधर राव और उनके पुत्र।
जगह घूमे थे फाइन होगा अटल एकता पार्क झांसी। तो दोस्तों झांसी से आने के बाद मैं होटल आई और सो गई और रात को जगी और रेडी होकर मैं आ गई पार्टी में एंकरिंग करने और बहुत मस्त इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छी शादी थी, मैंने एंकरिंग की और डीजे नाइट था पूरा, अच्छे से एंकरिंग किया, मज़े किए। तो ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारा प्यार दें। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में।